कोई रोड दी हुई है जिसका मास एम है, लेंथ एल है, उसके परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे एक पॉइंट है पी, डी डिस्टेंस पे, हमें उस पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इससे एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट्स ले लेते हैं जिसकी विड्थ जो है डी एक्स के बराबर है, इसका एलिमेंट्स का मास मान लेते हैं डी एम है, टोटल रोड की लेंथ एल है, मास एम है, मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट मास लेंथ का, एक यूनिट लेंथ का मास कितना होगा एम कोन एल के बराबर होगा, डी एक्स लेंथ का कितना होगा इंटू डी एक्स। इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं, फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, बॉडी की तरफ होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, डी के बराबर होगी। ये डी निकालना हो वो किसके बराबर होगा, जी डी एम, पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे इसको, पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे, पॉइंट मास माने तो पॉइंट मास की वजह से क्या था, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आर है, आर स्क्वायर इसके बराबर होगा, जी डी एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये डी है ये एक्स है, तो आर किसके बराबर होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर अंडर डी रूट, ये वैल्यू पुट कर दें, इसका स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब सपोज ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट जो है वो इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इधर होगा, जो इधर वाला कंपोनेंट है वो तो क्या होगा, डी साइन थीटा, और जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो कितना होगा, डी कोस थीटा। यदि हम एक एक्स एलिमेंट्स इधर ले लें और उसकी वजह से फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, सिमेट्री की वजह से ये वाला कंपोनेंट तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट जो है ऐड होगा, सिमेट्री की वजह से जो ये वाला इस थीटा एंगल पे एक कंपोनेंट इधर होगा, जब एक्स डिस्टेंस में यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट्स ने, तो उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, ये वाला कंपोनेंट इस कंपोनेंट को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा, ये वाले कंपोनेंट जो है वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो निकालना हो इसका, वो किसके बराबर होगा, डी डी ई कोस थीटा के बराबर होगा, इसका स्मॉल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में उसको मान लेते हैं वाई डायरेक्शन, डी वाई वो किसके बराबर, डी ई कोस थीटा, ठीक है, और डी साइन थीटा निकालेंगे वो हमारा किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो के बराबर आएगी। सिमेट्री से हमने प्रूव किया, इंटीग्रेशन से भी प्रूव कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, डबल हो जाएगा टाइम, जो इधर वाले कंपोनेंट है सिमिलर सिचुएशन में, एक्स डिस्टेंस पे इधर एलिमेंट्स लें, एक्स डिस्टेंस पे इधर एलिमेंट लें, उनके एक्स कंपोनेंट जो है वो क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो हम उसको छोड़ देंगे, जिसको करना हो आप किसी को करना हो तो आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये वाई डायरेक्शन में हमारा क्या जाएगा, फील्ड आ जाएगा, तो इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, जी मास पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू यहां से देखें तो कोस थीटा किसके बराबर है, डी अपॉन दिस, डी अपॉन आर, आर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर डी रूट, कोस थीटा किसके बराबर, डी अपॉन दिस, दिस वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, कोस थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसके बराबर होगा। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल है, जिन्होंने ट्वेल्थ पढ़ेंगे उसमें ये जी होगा,
नॉन मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मैं बता रहा हूँ उसको क्या करना कैसे है। जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो बाहर ले लेते हैं, जी एम अपॉन एल डी जो है बाहर आ जाएगा, अंदर बचा हमारा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर की पावर 3/2। नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर है, ऐसी फॉर्मेट हो तो एक्स को हम क्या मान लेते हैं, डी टेन थीटा मान लेते हैं। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, जब एक्स हम इधर जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो नेगेटिव होगा, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एल बाई टू होंगे, माइनस एल बाई टू होंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एल बाई टू। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या, माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू, ये है ठीक है। अभी हम एक्स इजिकल टू यहाँ पे डी है तो डी टेन थीटा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा और इसका डी टेन थीटा का डेरिवेटिव का था सेकेंड स्क्वेयर, तो डी एक्स की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, डी सेकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। इस वाली इक्वेशन में एक्स की जगह तो डी टेन थीटा पुट कर देते हैं और डी एक्स की जगह डी सेकेंड स्क्वेयर थीटा पुट कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, ई वाई इंटीग्रेशन को भी लिमिट्स को भूल जाते हैं, जो लिमिट्स है इसकी उसको बाद में यूज कर लेंगे। तो डी एक्स की जगह तो डी सेकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा, डी एक्स की जगह डी सेकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा, और नीचे जो है एक्स की जगह पुट कर दिया हमने डी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा प्लस डी स्क्वेयर की पावर 3/2। इसको मैं दोबारा इधर लिख रहा हूँ ठीक है, चले आगे। नीचे से डी स्क्वेयर जो है कॉमन आ रहा है, जी एम अपॉन एल डी स्क्वेयर, ऊपर से डी कॉमन ले लिया हमने और इसके अंदर से भी डी कॉमन ले लिया, तो डी स्क्वेयर बाहर आ जाएगा और उसकी पावर कितनी है 3/2। अंदर बचा हमारे पास टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1, ऊपर क्या है सेकेंड स्क्वेयर थीटा और यहाँ पे पावर है 3/2 ठीक है, और यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन था डी थीटा, तो इस पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, जी एम एल इंटू डी, यहाँ पे डी की पावर 3 है, ऊपर डी स्क्वेयर तो डी रह जाएगा, ऊपर जो है सेकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है सेकेंड स्क्वेयर थीटा, और उसकी पावर कितनी है 3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो जी एम एल डी, तो सेकेंड स्क्वेयर थीटा से नीचे क्या आ जाएगा सेकेंड थीटा डी थीटा, इसको ऊपर ले जाते हैं जी एम एल डी, ये किसके बराबर हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी एम एल डी कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, जी एम एल डी साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है इस वाली इक्वेशन से, एक्स अपॉन आर किसके बराबर था हमारा, डी का स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर अंडर डी रूट, डी का स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर डी रूट। अब लिमिट्स पुट कर देंगे, अभी तक हमने लिमिट्स पुट नहीं की थी, अब हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे, माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू इसके बराबर हो जाएगी ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, वैल्यू पुट करनी है बस, जस्ट जी एम एल डी वो किसके बराबर होगा, एल बाई टू
नीचे आ जाएगा डी स्क्वेयर प्लस एल का स्क्वेयर अपॉन फोर अंडर डी रूट माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एल बाय टू। नीचे क्या हुआ, सेम होगा डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाई फोर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जी एम एल अपॉन डी। तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर तो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा और नीचे क्या हुआ डी स्क्वेयर फोर डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर अंडर डी रूट टू जो है ऊपर चला जाएगा। ये एल बाई टू था, ये एल बाई टू था, एल बाई टू प्लस एल बाई टू एल हो जाएगा। ठीक है, इस एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा टू जी एम अपॉन डी फोर डी स्क्वेयर एल स्क्वेयर। वाई एक्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू जीरो है, केवल वाई डायरेक्शन में है तो ये हमारा नेट फील्ड भी हो जाएगा और ये हमेशा किधर होगा रोड की तरफ होगा। ये जो है नेट फील्ड की इधर है रोड की तरफ होगा, इधर होगा नीचे की तरफ होगा, रोड के परपेंडिकुलर होगा, रोड की तरफ होगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी टू जी एम अपॉन डी फोर डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर।